नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके सामने वर्तनी। हिंदी की श्रृंखला में वर्तनी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तनी अर्थात शब्द जो कि शुद्ध रूप में लिखे जाते हैं, तो किस प्रकार से लिखे जाते हैं। जब प्रश्न आते हैं तो चार ऑप्शंस होते हैं, उन चार ऑप्शंस में एक आपका सही होता है और तीन गलत होते हैं। जाहिर सी बात है, वर्तनी अक्सर क्या है कि हम जब बात कर रहे होते हैं तो जिन शब्दों को हम बोलते हैं, महसूस करते हैं कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन बोलते बोलते इतना हम उसको अपनी आदत में ला चुके होते हैं कि हमें एहसास ही नहीं पाता जो हम शब्द बोल रहे हैं वो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या है कि मात्राएं लघु की जगह दीर्घ हो जाती हैं, दीर्घ की जगह लघु हो जाती हैं। अंक की जो बिंदी होती है कभी चंद्र बिंदी होती है, कभी सामान्य बिंदी हम लगा रहे होते हैं। आधे ना का उच्चारण और अंग बिंदी के उच्चारण में क्या अंतर है, हमें ये भी पता नहीं चलता है। सो दोस्तों, अब जो हम बातचीत कर रहे होंगे, सबसे अच्छा तरीका है वर्तनी शुद्ध रखने का कि आप जो भी अब याद करें परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनमें आप उच्चारण सही रखें। अगर आप उच्चारण सही रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे एग्जामिनेशन पे ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, जहां तक समीक्षा अधिकारी की बात करें, समीक्षा अधिकारी में 6 टॉपिक हो रहे हैं हिंदी के, जिसमें प्रत्येक टॉपिक में 10 10 क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो ये हम शुरुआत करते हैं वर्तनी की। हम देखते हैं पहले, ये वर्तनी मैंने लिखा हुआ है जो कि हमारा आज का टॉपिक है, और उसके बाद ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। मोस्टली क्या होता है कि हम शुद्ध ही लिख देते, लेकिन अशुद्ध इसलिए लिख दिया ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ मैं तो लिखता तो इसी प्रकार से कुछ लिखता है, या कुछ उसी प्रकार से आपको लगता कि हाँ वो सही है बिल्कुल। अब देखिएगा, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिनमें एक की बजाय दो गलतियां दिखाई दे रही होंगी। जैसे हम पहला लेते हैं आवाज, तो ये आवाज नहीं है। अगर शुद्ध देखा जाए तो यह आवाज, यानी जो छोटा आ है वहां पर हमें बड़े आ की मात्रा लगानी पड़ेगी। आवाज, जा के नीचे एक बिंदु लगाना पड़ेगा। सो ये बोल रहा होता हमारा आवाज, ठीक है ना। सो ये आवाज होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं, हम बोलते हैं अलौकिक आ, तो यहां गलती क्या है, जो आ में बड़े आ की मात्रा है, ये बड़े आ की मात्रा ना होके ये सही शब्द होगा हमारा अलौकिक अलौकिक। इसी प्रकार से हम देखते हैं अंताक्षरी, हम अक्सर बोलते हैं कि अंताक्षरी खेलते हैं। सो अंताक्षरी नहीं है वो है अंत्याक्षरी, यानी अंक की बिंदी लगेगी ऊपर और आधा त्या होगा अंत्याक्षरी। और इसी बात से हम देखते हैं आशीर्वाद, अक्सर जब हम लिख रहे होते हैं आशीर्वाद तो ये जो लिखा हुआ है वो आशीर्वाद है और ये लिखा है आशीर्वाद। तो अब ये जो रा जब उड़ाने की बात होती है, ऊपर रा उड़ रहा होता है, तो इसे हम कैसे प्रयोग करेंगे इसको हम अंत में बता रहे होंगे, ताकि आपसे कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी रा को लेकर। अच्छा, अब हम इसको पहले तो ले लेते हैं गोले पर, क्योंकि इन पे हम चर्चा आगे भी फिर से कर रहे होंगे। अब इसके बाद हम बोलते हैं आहार, तो आहार नहीं है वो, आहार है यानी बड़े आ की मात्रा है। इसी प्रकार हम बोलते हैं सप्ताह, सो सप्ताह से फिर बनता है साप्ताहिक, तो ये साप्ताहिक नहीं होता, ये होता है साप्ताहिक, बड़े आ की मात्रा लग रही होती है साप्ताहिक। फिर कवयित्री, सो कवयित्री नहीं है, क्योंकि कवि पहले दिखाई देता है, फिर हम लगता है जब महिला है तो हम यत्री और लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसको हम बोलते हैं तो कव हो जाता है, यानी छोटी की मात्रा जो है वो खत्म हो जाती है और वो यहां पर आती है यित्री, यानी कवित्री है, सही है। और खास बात यह है कि हम निशान भी लगाते जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके, अलौकिक, अंताक्षरी, साप्ताहिक, कवित्री। और इसी प्रकार से कालिदास भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कालिदास, ये सामान्य बोलचाल में, लेकिन कालिदास नहीं है, वो है कालिदास, छोटे ई की मात्रा है। सो छोटी की मात्रा कालिदास, ये भी आपका है, महत्वपूर्ण है। फिर हम बोलते हैं छिपकली, सो ये छिपकली नहीं है, छिपकली है, ठीक है ना, छिपकली। और इसी प्रकार से बोलते हैं बल्कि, ऐसा है, बल्कि नहीं है वो, बल्कि नहीं है वो, है बल्कि, यानी छोटी की मात्रा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हम देखते हैं मैथिली, अक्सर हम बोलते हैं इसमें जो नाम आता है मैथिली शरण, सो मैथिली शरण बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही आता रहता है, बट ये मैथिली नहीं है, ये मैथिली है, छोटी की मात्रा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। फिर हम बोलते हैं कृपा, सो ये कृपा नहीं है, ये कृपा कृपा है, एक कृपा होती है एक कृपा होती है, अब इसकी भी हम चर्चा भी कर लेंगे, इसको भी हम गोला कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं निरोग, हम बोलते हैं निरोग, सो निरोग सही नहीं है, जो सही है वो है आपका निरोग, यानी ना में बड़ी ई की मात्रा, निरोग नहीं, निरोग, तो ये हमारा सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ऐसे ही निरोगी जब होता है तो इधर तो निरोग है, किंतु निरोगी की बात जब हम देखें तो वो निरोगी नहीं है, वो है निरोगी, यानी छोटी की मात्रा है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है। अब हम देखते हैं व्यावसायिक, हम अक्सर बोलते हैं कि व्यावसायिक, बट व्यावसायिक नहीं है, व्यावसायिक, या में
बढ़िया की मात्रा है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है। फिर हम देखते हैं सरोजिनी, सरोजिनी नायडू, लेकिन वो सरोजिनी नहीं है, सरोजिनी है। जहां में छोटी की मात्रा है, अक्सर आता रहता है। युधिष्ठिर, अक्सर आता रहता है, युधिष्ठर हम बोलते हैं, लेकिन वो है क्या? युधिष्ठिर। सो ये है, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हम बोलते हैं प्रमाणिक। सो प्रमाणिक नहीं है, ये है प्रामाणिक, इंपॉर्टेंट है। मुहल्ला, अक्सर हम बात करते हैं मुहल्ला, सो मुहल्ला नहीं है, वो है मोहल्ला। जो सही है वो है मोहल्ला। फिर हम बात करते हैं आविष्कार की। सो आविष्कार नहीं है, आविष्कार, आ में बड़ा की मात्रा है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से प्रज्वलित, आप देखिए प्रज्वलित, लेकिन प्रज्वलित सब सही नहीं है, जो सही है वो है प्रज्वलित, यानी ये आपका है। और इसी प्रकार से उज्ज्वल, उज्ज्वल नहीं है, जो सही शब्द है वो है उज्ज्वल, इंपॉर्टेंट है। फिर अनुग्रहित, अनुग्रहित सही शब्द नहीं है, सही है अनुगृहित, यानी ये देखिए आप, अभी इस पे भी हम चर्चा कर रहे होंगे। उसके अलावा फिर हम बोलते हैं तत्कालिक। सो तत्कालिक नहीं होता है, तत्काल तो सही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तत्कालिक की तो वो होता है हमारा तात्कालिक, इंपॉर्टेंट है हमारा तात्कालिक। इसी प्रकार से हम बोलते हैं संसारिक, संसारिक सही नहीं है, जो सही है वो है सांसारिक, इंपॉर्टेंट है, साम्य अंक की बिंदी। इसी प्रकार से हम बोलते हैं प्राचार्य। सो प्रचार नहीं है, प्राचार्य है, बड़े आ की मात्रा लगती है, यहां पर चेंज होता है। हम अक्सर बोलते हैं क्रांति, क्रांति हो गई, सो क्रांति नहीं हो गई, क्रांति हो गई, ठीक है ना, छोटी ई की मात्रा लगी, क्रांति। ऐसे ही हम बोलते हैं त्योहार, त्योहार, लेकिन वो त्योहार नहीं है, ओ की मात्रा है, त्योहार है, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आप देखिएगा पूज, पूज जो शब्द है वो तो गलत है, पूज्य होता है, लेकिन मुख्यता क्या होता है, हम देखते हैं लोग पूज्य के आधार पर ही पूजनीय लिखते हैं। सो पूजनीय नहीं होगा, वो होगा पूजनीय, यानी इधर पूज गलत है और इधर पूजनीय गलत है, यानी होगा पूजनीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है। उसके बाद आता है सदृश्य, ठीक है ना, सो सदृश्य नहीं होता है, सदृश होता है, और सदृश क्या होता है, ये सदृश है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है इस पे भी हम चर्चा कर लेंगे अभी, सदृश। ऐसे ही महात्म, महात्म शब्द सही नहीं है, सही शब्द है महात्म्य, यानी आधा ता के बाद आधा मार फिर या है, हमने यहां क्या लिखा हुआ है, महात्म। एक गलती तो बड़े की मात्रा की है, दूसरी छोटा मा होना चाहिए, तीसरा या होना चाहिए, यानी एक ही शब्द आप देखिए तीन तीन गलतियां दिखाई दे रही हैं। इसके साथ स्वास्थ्य, हम पूछते हैं स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है ना, तो स्वास्थ्य होता है, यानी यहां पर गलती क्या है, ये था है, ये आधा होगा फिर या लगेगा। हम बोलते हैं कुंवर साहब, सो कुंवर साहब नहीं है, कुंवर है, एक्चुअली सही है, मोस्टली हम इसे कुंवर लिख रहे होते हैं। इसी प्रकार आगामी, आगामी कोई चीज नहीं होती है, जो चीज होती है वो आगामी, यानी कि बड़े आ की मात्रा लगती है, और ये हो गया हमारा आगामी। इसी प्रकार से किस्त, सो किस्त नहीं है, वो है किस्त, यानी कि साई वाला बनेगा। इसी प्रकार से हम बोलते हैं व्यक्तिक, व्यक्तिक नहीं है, वो है वैयक्तिक, यानी वा में ए की मात्रा, वैयक्तिक। और इसी प्रकार से प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं, तो प्रदर्शनी नहीं होती है, जो होती है वो होती है प्रदर्शनी, ठीक है ना। हमने अभी आपसे बात की कि कुछ विषय पे हम चर्चा करना चाहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हम लिखते हैं ग्रह और ये लिखते हैं हम गृह, यानी जब हम ऐसे डंडी खींचते हैं तो ये जो उच्चारण करता है ये आ का करता है, यानी ग्रह है, और जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये उच्चारण ई का होता है, यानी गृह। आप क्लियर हो चुके होंगे, जब हमने आपसे अनुग्रहित की बात कही थी तो अनुग्रहित का मतलब क्या था, अनुग्रहित नहीं है बल्कि ये अनुगृहित है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से और भी हमें चर्चा करनी थी, जैसे कि रा में कि आखिर रा कैसे हम कहां पर लगा रहे होंगे, जैसे हमने आशीर्वाद को लिया था, आशीर्वाद में आप देखिए जब भी आपको कभी लगाना हो रा ऊपर, तो आप सीधे सीधे पहले तो ऐसे लिख ले होंगे आशीर्वाद, जिस तरह से आप बोल रहे हैं उसी तरह लिखिए आशीर्वाद। तो ये आशीर्वाद जो है ये रा जिसके पहले आता है, जिस भी वर्ण के पहले आ रहा होगा उसी के ऊपर लगेगा ये, ठीक है ना, यानी यहां से ट्रांसफर होकर यहां पहुंच जाएगा, इसके पहले नहीं लगेगा, इसके पहले लगाते हैं तो इसका उच्चारण इसके पहले हो जाएगा, आशीर्वाद। इसी प्रकार से और भी एक मैंने यहां पर देखा हुआ था जिसमें रा लगाया गया था आपका, सो जो भी है इस प्रकार के रा वाले, जैसे आप देखिए हम एक उदाहरण आपको और दे दे रहे हैं, अर्जुन, अर्जुन, तो अर्जुन जो है जब आप अर्जुन लिखते हैं तो ये रा कहां जाएगा, ये जिसके पहले आया उसके ऊपर लगेगा। अगर हम ऐसे लिख देंगे अर्जुन, तो जाहिर सी बात है ये हमारा सही होगा, तो रा के बारे में आप क्लियर हो चुके होंगे कि हमारा रा जब लगेगा वो उसी
वर्ण के ऊपर लग रहा होगा जिसके ठीक पहले वो आया होगा। ठीक है दोस्तों, और भी हम उदाहरण